हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छे जॉब अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि हैकर अर्थ कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जॉब अपडेट किस पोस्ट से रिलेटेड है, इसमें उन्होंने आपके क्या क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, इसी के साथ यहाँ पे लोकेशन क्या मिलने वाली है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे जॉब से रिलेटेड पूरा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हैकर अर्थ के ऑफिशियल जॉब्स प्लेटफॉर्म पे हूँ। यहाँ पे एक नई जॉब पोस्ट आई है, वर्डप्रेस डेवलपर। जी हाँ दोस्तों, इसकी जॉब लोकेशन बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया होने वाली है। ये एक फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये कोई इंटर्नशिप नहीं है, ये कोई पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है हैकर अर्थ की तरफ से। बता दूं आपको, हैकर अर्थ एक बहुत ही अच्छा कोडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको काफी सारे कंपनी के टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, इसी के साथ आप यहाँ पे काफी सारे टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपके बड़े बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट हो सकते हैं। काफी सारे यहाँ पे ऑनलाइन चैलेंजेस होते हैं, जिनको देख के आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। हैकर अर्थ कोडिंग के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे काफी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ उनकी तरफ से ये जो जॉब अपडेट आया है, उन्होंने ऐसा बताया कि हैकर अर्थ जो है वो एक एआई पावर डेवलपर असेसमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिसकी मदद से जो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होते हैं उनको वो बहुत अच्छे से करवा सकें, जिसमें उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो। जैसे मान लीजिए, अगर इन्फोसिस का अभी हैक विथ इन्फी हुआ था, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हैकर अर्थ को ही दिया था। तो हैकर अर्थ के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी बड़ी कंपनी टेस्ट करवाती है, तो हैकर अर्थ की तरफ से उसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, और वो टेस्ट बहुत ही स्मूथली रन होना चाहिए, जिससे कि सारा काम बहुत अच्छे से हो सके। तो उन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि उन्होंने कैसे जो 500+ कस्टमर है पूरी वर्ल्ड में, उन्होंने बड़े बड़ी कंपनियों के साथ कोलेबरेट करके काम किया है, जिनमें उन्होंने नाम बता रखे हैं, वॉलमार्ट, एमेजॉन, बर्कलस, जीई, सीमेंस एक्सेट्रा, बहुत सारे। और 37 मिलियन कैंडिडेट्स के साथ 37 डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे उन्होंने असेसमेंट करवाए हैं, किस हिसाब से उन्होंने 100+ डिफरेंट स्किल्स को यहाँ पे इनेबल करवाया। तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है हैकर अर्थ। तो हैकर अर्थ के बारे में उन्होंने बता रखा है, फिर उन्होंने ये बता रखा है, अब इस जॉब रिलेटेड से बता रखा है कि वो एक वर्डप्रेस डेवलपर को ढूंढ रहे हैं जो उनकी मार्केटिंग टीम है, तो उनके साथ काम कर सके बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों में। जैसे कि जो प्रोग्रामिंग स्किल्स होना चाहिए आपके पास, स्किल्स में मैं आऊंगा बाद में, लेकिन अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि आपके पास PHP, HTML5, CSS, JavaScript, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जो फ्रंट एंड और बैक एंड पे काम होता है वो इन लैंग्वेजेस की मदद से ही होता है। तो वो वर्डप्रेस डेवलपर ढूंढ रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या मिलने वाली है, फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशंस को देख लेंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उन्होंने ये बताया कि जो फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट है, उस पर जो भी काम होता है उसको आप कितनी अच्छी तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने को दिया जा रहा है, तो आप उसको कैसे अच्छी तरीके से बनाते हैं। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टीम होती है, उनकी SEO टीम है, उनके साथ आप कैसे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसी के साथ जो साइट का परफॉर्मेंस है, बहुत सारे ब्राउजर और डिवाइसेस के अक्रॉस उनको आप कितना स्मूथ बना रहे हैं, जिससे कि यूजर या कैंडिडेट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन कर रहे हैं, वेबसाइट का आर्किटेक्चर किस हिसाब से आप डिजाइन कर रहे हैं, तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर आता है। अब फटाफट से आपको मैं स्किल्स और क्वालिफिकेशंस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कोई ऐसा पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं रखा है कि आप इस बैच से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, इस बैच से हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सारी बैचेस अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा है, बस स्किल्स का रखा है। स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस में उन्होंने सबसे पहले ये बोला है कि आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जिसमें HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट और jQuery। इसी के साथ आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने यूजर इंटरफेस वाली वेबसाइट्स पे काम किया हो, वेब एप्लीकेशंस बनाई हो। आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रोम इंस्पेक्टर और ये फायर बग रहते हैं, वो डीबगिंग टूल्स क्या होते हैं, उनमें कैसे वर्क होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो PHP का बैक एंड डेवलपमेंट रहता है और रेस्पॉन्सिव डिजाइन, वो कैसे क्रिएट करते, कैसे बनाते हैं। MySQL डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी।
इसी के साथ आपको जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, VCS है, जैसे कि GitHub, SVN, इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बूट स्टेप फॉर SAS और SCSS फ्रेमवर्क के बारे में। पूरी दोस्तों ये जो वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब है पूरी फ्रंट एंड जॉब है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उन्होंने बैक एंड के लिए भी बता रखा है, फ्रंट एंड के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उन्होंने यहाँ पे और आपकी कोई स्किल्स और क्वालिफिकेशंस नहीं मांगी है, सिर्फ उन्होंने इतना बताया है, तो आप जो है वो आपको ये सब आना चाहिए तो आप इस जॉब के लिए बहुत अच्छे सुटेबल हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं अप्लाई करने के, फटाफट से बता देता हूँ, इंडीड से भी अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और एक अप्लाई का ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे दिया है। अब हम जैसे अप्लाई के ऑप्शन पे जाएंगे तो ये वर्डप्रेस डेवलपर का जॉब इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ पे नाम लिख रखा है, अब एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे मैंने मेरी डिटेल्स फिल कर दी है, फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, रेज्यूमे मुझे फिल करना है। अब उन्होंने मुझसे दो एप्लीकेशन क्वेश्चंस पूछे हैं जो कि इस एप्लीकेशन से रिलेटेड है, कि मुझे एक्सपीरियंस है HTML5 CSS3 JavaScript jQuery में, या मुझे PHP बैकएंड डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है, तो मैंने यस यस कर दिया, फिर मैंने सबमिट एप्लीकेशन कर दिया। अब सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद देख लेते हैं कि वो सबमिट एप्लीकेशन पे क्या बता रहे हैं। अब ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर फर्दर डिटेल्स। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आप जैसे अप्लाई करेंगे तो इस टाइप से आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, उन्होंने ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। अब देखिए हमें हैकर अर्थ की तरफ से एक मेल भी आ चुका है कि डियर लोकेश, थैंक्स फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू अप्लाई फॉर दिस हैकर अर्थ, यू कैन नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स, अवर टीम हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर एप्लीकेशन, वी विल गेट बैक टू यू एन अपडेट इन द नेक्स्ट 7 days। 7 days के अंदर आपको अपडेट आ जाएगा, ये कंफर्मेशन मेल है हैकर रैंक टीम की तरफ से। तो इस टाइप से आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, काफी अच्छा जॉब अपडेट है, आप सभी अप्लाई कीजिए, हैकर अर्थ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छी कंपनी है, आप अगर उसके साथ अपना फ्रेशर का करियर स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि सारे आपको जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप्स, कोर्सेस की लिंक वहां पे आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।